नाम पर कौन है? मोदी है, मोदी है। अडानी के नाम पर कौन है? मोदी है, मोदी है। अकेले अडानी को मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। उस अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। उस अडानी के नाम पे लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी खुलकर सामने आता है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते, जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, SBI में डूब रहा है। आपकी हिम्मत नहीं आप अडानी का नाम ले सके, आपकी हिम्मत नहीं है मोदी जी कि आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मुझे आप बताइए, मॉरिसस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए अडानी ने अपनी कंपनी में लगाया, वो किसका पैसा है? आतंकवादियों का काला धन है, आपके अधिकारियों का है, मंत्रियों का है, आपका है, आपकी पार्टी का है, कैसे पता चलेगा? कहाँ है आपकी SEBI, कहाँ है आपकी CBI, कहाँ है आपकी ED, कहाँ है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए है, ये सिर्फ मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को 3 बार से यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेकर बिजली पर, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन सरकार का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उस केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। आपको जितनी लाठियां चलवानी हो, जितने मुकदमे लिखवाने हो, जितना जेल में डालना हो, आप डालिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी बेईमानी के खिलाफ, आपके दोस्त अडानी के खिलाफ हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे। और मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करके ध्यान भटकाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, अडानी के घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस घोटाले को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का, आपकी सच्चाई पहुंचाने का काम करेंगे।